आज के इस प्रोग्राम के मेजबान अपने भाई कारी यासीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रेस ब्रीफिंग का आगाज नबे कायनात के बाबरकत नाम से करें, तलावत करें। आप इधर आए मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم मैं सबसे पहले तो आप दोस्तों का भी आज मशहूर हूँ कि बहुत ही मुख्तसर सी दावत पे आज आपको मदऊ किया। मेरे ये भाई मेरे एजाज में कोई रिसेप्शन रखना चाह रहे थे और पिछले एक हफ्ते से मेरे भाई ने, क्योंकि मेरा इनके साथ गरुड़ा ताल्लुक है, मेरी छोटी अजीजा है, ये खुद भी मेरे बहुत करीबी हैं, तो मैंने इनसे यही कहा कि बेहतर यह है कि हम लोग वहां के जो आपकी इंटेलिजेंशिया है, जो लोग साहिब राय हैं और बिलखसूस आफत से ताल्लुक रखते हैं, उनको बुलाया जाए और फिर उनको बताया जाए कि सेव कश्मीर सेव यासीन मलिक कंपेन जो हमने शुरू की है उसके पीछे क्या मदरकात हैं और इस वक्त क्या खदशात हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं कि सेव कश्मीर, और दूसरा क्वेश्चन है गुफ्तगू का सेव यासीन मलिक। सेव कश्मीर इसलिए हम कह रहे हैं, कंपेन कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को, उसकी तारीख को, उसकी सकाफत को, उसकी नस्लों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म तकसीम करने का जो प्लान बन चुका है वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम आप दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि मसला कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी तनाजा नहीं है, ना ही कोई खाली मजहब का मसला है, बल्कि मसला कश्मीर उसके अंदर बसने वाली हजारों साल पे मुहित कौम की शिनाख्त का, कौम के वसाइल का, उसकी उसकी सकाफत का, उसकी बका का मसला है। तो उसकी जियो पोलिटिकल इम्पॉर्टेंस के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आखिर मसला कश्मीर इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों कि 9 लाख फौज हिंदुस्तान की वहां मौजूद, पाकिस्तान की कसीर तहत फौज वहां मौजूद, और गुज़श्ता 74 साल से कश्मीरी दो नस्लें कुर्बान कर चुके हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अरबों इंसान गुर्बत जहालत अफलास और मजहबी और फौजी दहशतगर्दी का शिकार है, तो उसके मसला कश्मीर की आड़ में, तो ये वो हकीकतें हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे महरिकात है क्या। पहली तो बात यह है कि जब बरसगीर तकसीम हुआ तो उसके तकसीम के नतीजे में दो रियासतों का वजूद में आई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और फिर रियासत जम्मू कश्मीर को भी तकसीम किया गया और एक हिस्से के ऊपर पाकिस्तान ने और एक हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया, और 1947 से लेकर 2021 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने
अपने अपने सहूलतकारों और अपने अपने आलाकारों के लिए दोनों खितों के अंदर मुलाजम नवा हुक्मरानों के लिए वहां से वसाइल भी लूटे और मसले कश्मीर की आड़ में अरबों रुपए जो उनको अपनी गुर्बत आवाम की गुर्बत जालत और अफलास पे खर्च करना चाहिए थे उस मसले कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान की फौज भी पड़ रही है, पाकिस्तान की फौज भी पड़ रही है, यहां भी DHA बढ़ रहे हैं, यहां भी पापा जान जो है वो पीजे बढ़ रहे हैं, यहां भी हवी कम्प्लेक्सेस बढ़ रहे हैं और वहां भी हिंदुस्तान के अंदर, और फिर यहां जो बैनकुमी साम्राज्य भी अपना इसला बेच रहे हैं। अब जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको तवज्जो लाना चाह रहा हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर जियो पोलिटिकली क्यों अहमियत के हामिल है। तकरीबन दुनिया के 35% आबादी का वो न्यूक्लियस है, दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क और नई इमर्जिंग इकोनॉमी चीन जिसकी आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है, उसकी माशियत उसका CPEC रियासत जम्मू कश्मीर की वजह की दामन से गिलगित बल्तिस्तान के बगैर अधूरा है।